महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को घोषणा की कि मुंबई नगर निगम के कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सीएम ने ऐलान किया है कि कर्मचारियों को पिछले साल की तुलना में 3500 रुपए अधिक बोनस देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मुंबई नगर निगम के सभी कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक वर्षा सीएम आवास में हुई। उस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस फैसले की घोषणा की। दरअसल बुधवार दोपहर को शिवसेना ठाकरे समूह के नेता आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री से दिवाली बोनस को लेकर सवाल किया। इसके कुछ ही घंटों में मुख्यमंत्री ने दिवाली बोनस की घोषणा कर दी। दरअसल दिवाली नज़दीक होने के कारण मुंबई नगर निगम और बेस्ट के कर्मचारी अभी तक अपने बोनस का इंतजार कर रहे थे। कई सालों में पहली बार बीएमसी और बेस्ट के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा या नहीं, इसको लेकर असमंजस की स्थिति थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिक कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद रियायती अनुदान की घोषणा की। पिछले साल दिवाली अनुदान सब्सिडी में पहली बार 2500 की बढ़ोतरी की गई थी। इस साल मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर 26000 रुपये अनुदान देने का निर्णय लिया। इस दौरान दैनिक वेतन पर काम करने वाले बहुउद्देशीय श्रमिकों को कल्याण अनुदान देने की मांग पर नगर निगम आयुक्त को अस्पताल के बहुउद्देशीय श्रमिकों और शिक्षकों को दिवाली विजिट कराने का भी निर्देश दिया गया। मुंबई नगर निगम कर्मचारियों के लिए लागू समूह बीमा योजना 2017 से बंद थी। मुख्यमंत्री शिंदे ने इसे फिर से शुरू करने का निर्देश देते हुए प्रशासन को समूह बीमा योजना को 5 लाख तक बढ़ाकर फिर से शुरू करने का निर्णय लेने और जनवरी 2024 से इस योजना को लागू करने का निर्देश दिया। इस बैठक में आशा सेविका को 1 माह का वेतन अनुदान देने का भी निर्णय लिया गया। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।